नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है कि उसमें डेट के बारे में डिस्कस किया है। वो कौन से एग्जाम के डेट की बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल टायर टू की एग्जाम डेट क्या एग्जाम डेट है वो सेम ही है क्या जो पहले थी, मतलब क्या टाइम पे होगा, टायर थ्री है वो क्या टाइम पे होगा, एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्जाम है पूरा शेड्यूल टायर वन टायर टू टायर थ्री क्या उसमें कोई बदलाव है, इन सारी चीजों के बारे में इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन पूरी ध्यान से समझना और पूरा देखना जिससे कि आप खामखाम अननेसेसरी मिसगाइड ना हो और रिलैक्स ना हो जाए, तो ये जरूर अपने आप को ध्यान रखें। देखिए, जो एसएससी का एक्चुअल में नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो आपके सामने है। और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि ये स्पेशल मीटिंग ऑफ द कमीशन वाज हेल्ड 15 तारीख को। मैं मोटे मोटे बता देता हूँ आपको इसमें है क्या, कि अप्रैल 15 को एसएससी ने मीटिंग की थी अपनी इंटरनली, और उसमें ये देखा कि लॉकडाउन है, पहला जो लॉकडाउन है उसके बाद दूसरा लॉकडाउन भी आ गया था उस टाइम में, या संभावना थी, उनको पता चल गया था कि दूसरा लॉकडाउन होने वाला है। तो 3 मई तक अब लॉकडाउन है, इस दौरान कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। देश के हालात ऐसे नहीं है कोरोना वायरस की वजह से जहां पे कि एग्जाम हो पाए, तो इस दौरान जो एग्जाम होने थे या एग्जाम जो चल रहे थे उस एग्जाम को एसएससी ने रीशेड्यूल करने की बात की है, और डेट है वो बाद में बताएंगे। तो वो कौन कौन से एग्जाम है, जैसे कि प्लस टू का जो एग्जाम हो रहा था, सीएचएसएल प्लस टू वाला एग्जाम टायर वन का अभी बीच में रुक गया था, इसके अलावा जेई का एग्जाम चल रहा था, जो टाइपिंग वाला टेस्ट होता है उसके बारे में भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह या क्लेरिफिकेशन आनी थी कब टाइपिंग होना या कुछ, वो अभी रोक दिया गया है। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर सीओडी वाला है उस एग्जाम को भी इन्होंने फिलहाल क्या है कि रीशेड्यूल करने की बात की, मतलब ये फिलहाल नहीं होगा। और स्किल टेस्ट हो गया जो मैंने बताया था सीएचएसएल वाला, इनके बारे में जो फैसला है वो 3 तारीख के बाद में पता चलेगा कि देश के हालात है क्या है। किसी को भी पता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा पीछे जाएगा रुक जाएगा लोग ये कोरोना वायरस का जो कहर है। लेकिन इसके साथ ही एक यूपीएससी की नोटिफिकेशन, उसका भी एक जरूर संदर्भ ले सकते हैं इसको आगे समझने के लिए, कि बहुत सारे चैनल है या न्यूज चैनल उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है लेकिन यूपीएससी ने ये कहा है कि अभी हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और न ही कोई इस रूमर में आया कि एग्जाम है पोस्टपोन हो सकता है, जो कैलेंडर में दी हुई डेट है उसके अनुसार ही हो सकता उसके अनुसार भी मानकर चलिए अभी आप, क्योंकि जो फैसला है होगा या नहीं होगा वो हम 3 तारीख के बाद करेंगे, मतलब 3 मई के बाद में यूपीएससी फैसला करने वाली है कि 31 मई को जो यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम प्रीलिम्स है वो 31 मई को होगा या नहीं होगा। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, यूपीएससी को बोलना है कि वो 31 मई ही माने, किसी की अफवाह में ना आए। सिमिलरली क्या है कि आप इसी का इंटरप्रिटेशन ऐसे मानिए कि जो टायर टू और टायर थ्री है उनकी जो डेट्स है वो तो जून में है, 31 मई के बाद भी है, तो बहुत समय मिल जाएगा। देखो 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है उस दौरान, उसके बाद कुछ जगह पे लिमिटेड जा सकते हैं और लिमिटेड ऑफिस खुलेंगे, तो 1.5-2 महीने का एक लंबा अंतराल होता है। तो मुझे लगता है या जो इंटरप्रिटेशन है कि एज पर कैलेंडर आपको फॉलो करना है, मतलब 22 तारीख को 23 तारीख को जो जून में एग्जाम होना है टायर टू और टायर थ्री का, उस डेट को आप पहले तो कंफर्म मानिए, उसको चेंज ना करें अपने माइंड में, वो अफवाहों में ना आए कि हो सकता है, हो सकता वाली थ्योरी है वो हमेशा चलती रहेगी, तो आप इसमें बिल्कुल भी झमेले में ना आए। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2020 का जो पूरा कैलेंडर है, कैलेंडर का मतलब 20 का एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर तो ऑब्वियसली क्या है कि ये डेट ऐड होगी तो शेड्यूल रिशेड्यूल होगा, इसमें लिखा भी है कि कैलेंडर तो चेंज होगा ही होगा, तो कैलेंडर में आप ये न माने कि जो एग्जाम है सीजीएल 2020 के होने हैं उसमें कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कि आपको पहले वही माने जो एग्जाम में एक्चुअल में अभी दिया हुआ है। कोई भी डेट आप चेंज हुई न माने जब तक कि वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नहीं आ जाती है। क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई ऐसा आया कि डेट चेंज हो गई, नहीं आया, तो आप डेट चेंज को बिल्कुल भी न माने अगर कोई आपको बताता भी है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स टायर टू की टायर थ्री के एग्जाम देंगे और उनके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी चल रहा है, तो एक बार कायम रहें कि वो 22 तारीख को 23 तारीख को जून में एक्चुअल में उनका एग्जाम होने वाला है, उसी के अनुसार तैयारी करें, वो कभी भी ढील नहीं दे, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता जो आप परसेप्शन डेवलप कर रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है वो नहीं हुआ, फिर क्या होगा,
क्योंकि किसी ने नहीं बोला ऑफिशियल, तो किसी ने नहीं बोला कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ऐसे ही क्या है कि जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने दिमाग में बिठा लिया तो वो तैयारी नहीं करेंगे और टाइम फटाफट जा रहा है, ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है, 5-6 महीने का समय आपके लिए अगला बहुत ज्यादा कीमती है। तो अगर अभी से तैयारी नहीं की हो तो उसमें भी घातक साबित हो जाएगा, जो बच्चे 2019 में क्वालिफाइड नहीं हुए टायर 2 के लिए या जिन्होंने पहली बार एग्जाम देंगे। तो टायर 2 टायर 3 बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करें, टेस्ट वगैरह ज्यादा से ज्यादा दें और बिल्कुल 18 मतलब जो भी 5-7 घंटे आप डेली पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल पढ़ें, अभी टाइम है आपके पास में, ठीक है। अगर कोई हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं इनफैक्ट, कुछ क्या और इनफैक्ट क्या है कि सबसे ज्यादा पिनेकल के कोर्स होते हैं SSC CGL के ऊपर। SSC CGL टायर 2 जॉब अश्योर प्रोग्राम चल रहा है, SSC CGL टायर 2 टेस्ट सीरीज है 80 टेस्ट की, वो चल रही है। SSC CGL टायर 3 जॉब अश्योर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। कई बच्चे क्या डिस्क्रिप्टिव के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे अभी, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है क्योंकि टायर 2 टायर 3 का जब एग्जाम इकट्ठा होगा, आपके पास टाइम नहीं मिला आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो जाएगा। AO का कोर्स है वो चल रहा है, JSO का कोर्स चल रहा है, SSC CGL टायर 4 का कोर्स चल रहा है, CPT DST का, जिन्होंने टायर 3 का दे चुके हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टाइम लग जाता है CPT और DST की तैयारी करने में। फिर इसके अलावा टायर 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है 100 टेस्ट की, टायर 1 CSSL की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो हमारा अम्ब्रेला कोर्स है जिसमें कि सारे कोर्सेज कवर करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी जैसे कि हमने एक कोर्स चलाया हुआ है जनरल अवेयरनेस 20,000 MCQ, जो सारे एग्जाम के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस तरह के जो कोर्सेज हैं वो इसके अंतर्गत ही आते हैं, तो ये अम्ब्रेला कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके। सिर्फ टायर 1 क्वालिफाई करना या मैथ रीजनिंग सीखना या इंग्लिश सीखना वो काफी नहीं होता, टायर 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4 ये पूरा प्रोसेस इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज को कवर करना ये एक लंबा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर जिसके पास इंटरनेट वगैरह दिक्कत है तो हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कहाँ करना, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे SSC CGL Pinnacle.com, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए, और ये नंबर अगर कोई दिक्कत आए तो फोन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।